नमस्कार दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है रिटायर्ड DFO श्री भानु प्रताप यादव जी को। भानु जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। तो भानु जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वन विभाग में आपने कई दशकों तक अपनी सेवाएं दी हैं, तो ये जो यात्रा है ये कैसे शुरू हुई, इसके बारे में हमें बताइएगा। हम जब पढ़ते थे और इसके बाद में यहाँ पे जो पंजाब यूनिवर्सिटी से कॉलेज खुला, तो हायर सेकेंडरी करने के बाद में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड जो कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। कौन से साल की बात है ये? ये है 1973 की बात है। ओके। इसको ज्वाइन किया, उस वक्त जो है यहाँ पे प्री मेडिकल की ब्रांच खुली थी, तो मैंने प्री मेडिकल ज्वाइन किया। हालाँकि डॉक्टर बनना मेरी चॉइस में नहीं था, मेरी फर्स्ट चॉइस थी आर्मी, और मैं NCC का भी बहुत अच्छा स्टूडेंट था। तो उस वक्त जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है फॉरेस्ट की तरफ से गया जी। और उसके बाद में पुलिस फायर ब्रिगेड एबरडीन, यहाँ पर हमारा पिताजी हमारे चीफ फायर ऑफिसर थे, तो घर हमारा यहाँ था। तो हम यहाँ से निकलते थे तो बड़ा हरा भरा आसपास का एरिया था, हमारा क्षेत्र था मेरिना पार्क से होते हुए, और कॉलेज हम पैदल ही जाया करते थे। तो ये देख करके चिड़ियों का चहचहाना, तो एक प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति जो है ना रुझान थोड़ा सा अपने आप बनने लगा था। तो ग्रेजुएशन करने के साथ साथ ही जो है मैंने यहाँ पर अप्लाई किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस के लिए, और उस वक्त मेरा सिलेक्शन जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी हुआ था, फॉरेस्ट रेंजर में भी हुआ था, और क्लरिकल एग्जामिनेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का था उसमें भी हुआ था। तो फिर मेरे दोस्तों से मित्रों से सबसे सलाह लेने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट है फॉरेस्ट ज्वाइन करो। तो ये 1978 की बात है, और मैंने क्वालिफाई किया। फिजिकल टेस्ट वगैरह इसमें बड़ा टफ होता है, 24 किलोमीटर जो है 4 घंटे में चलना होता है, तो बड़ी आसानी से मैंने पार कर लिया था, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा जो है पसंदीदा क्षेत्र था, और मेरा अधिकतर समय जो है जिमखाना ग्राउंड में बीतता था। तो बड़े आराम से इसको मैंने कर लिया, और सर्विस ज्वाइन करने से पहले जो ट्रेनिंग है ईस्टर्न फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज करशियांग, वहाँ ट्रेनिंग मैंने अप्रैल में ज्वाइन की थी, और उसको ज्वाइन करने से पहले डिपार्टमेंट ने ये अरेंजमेंट किया था कि मैं यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जान लूँ। तो मुझे जो है सिवदानु रेंज ऑफिसर थे उस वक्त, उनके अंडर में जो है शोल बे एरिया, मनारघाट, इन सब एरिया में जा कर के काम करने का मौका मिला, और काफ़ी कुछ सीखा। तो वहाँ जो मैंने देखा, तो वाकई ये जो एटमॉस्फियर है फॉरेस्ट का, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, और जो एक खुशनुमा माहौल अच्छा लगता है, तो इन सब से जो है मुझे लगा कि मैंने सही चॉइस की है। और इसके बाद तो फिर आगे की जर्नी जो है बड़े आराम से, क्योंकि मैंने कभी काम को काम नहीं समझा, बल्कि एंजॉयमेंट करते हुए, क्योंकि अपनी पसंद की चीज़ थी तो जो भी करता था मुझे उसमें आनंद आता था। तो इस तरह से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आया, मेरी पोस्टिंग डिगलीपुर में हुई, फिर मायाबंदर में हुई, और इसके बाद में सर्विस के दौरान करीब 35.5 साल तक मैंने सर्विस की, और इसमें कैम्बल बे, ग्रेट निकोबार से लेकर के डिगलीपुर तक मैंने सारा क्षेत्र देखा, और सभी जगह मुझे जो है सेवाएं अपनी देने का और अपना योगदान देने का मौका मिला। और मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं एक सच्चे जो है फॉरेस्टर की तरह अपना कर्तव्य निभाऊं, और मुझे लगता है और मेरा विश्वास है कि मैंने जो है अपना काम बखूबी निभाया, और जो लोग मुझे मिलते हैं या फिर मेरे साथी मिलते हैं तो मुझे याद करते हैं, तो ये एक रिकॉग्निशन है कि हमने जिस वक्त हम सर्विस कर रहे थे तो हमने सही ढंग से काम किया है, लोगों की भावनाओं के अनुसार और सरकार की जो अपेक्षाएं थी उसके अनुसार। जी जी, बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया कि जब आप मतलब शुरू में जब आप यहाँ हमारा पोर्ट ब्लेयर देखते थे, हरा भरा था, जंगलों से भरा हुआ था, चिड़ियों का चहचहाना, ये काफी अच्छा लगता था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहले जो आपने देखा उस पोर्ट ब्लेयर और आज के जो पोर्ट ब्लेयर है, इसमें आप क्या फर्क देखते हैं? दुख के साथ कहना पड़ता है कि तब और अब में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। मैं बात शुरू करूं, हमारा जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी मल्टीपर्पज़ स्कूल
जो है मिडिल पॉइंट इसका नाम हुआ करता था, और हम इसे सितारे हिंद यूनिवर्सिटी बोलते थे। मेरी स्कूलिंग जो है यहाँ पे हुई, और मुझे याद है कि बंगाली क्लब से लेकर के हमारे स्कूल तक और ऊपर सेक्रेटेरिएट तक बरगद के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े, और जब उसमें फल लगते थे तो अनगिनत हरियल और कबूतर, काली मैना, ये सब आकर के बैठते थे। आज वो सब देखने को भी नहीं मिलता। इसके अलावा जो है सड़कें, हालांकि इतनी चौड़ी नहीं थी, लेकिन सड़कों के किनारे अगर लगवाए हुए पेड़ नहीं थे तो झाड़ियाँ हुआ करती थी, बेतफल हुआ करता था, समालू हुआ करता था, जमाल गोटा हुआ करता था। और ये दिलथमन टैंक जो एरिया है हमारा रिजर्वायर का, ये हमारा पसंदीदा जो है स्कूल टाइम में क्षेत्र हुआ करता था, कि हमको ज़रा सा भी मौका मिलता था तो हम वहाँ से भाग करके यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ पे जामुन के, काजू के पेड़ हुआ करते थे, बेतफल के पेड़ हुआ करते थे, और हम अपना जो है समय यहाँ पे व्यतीत करते, जहाँ पे आज सेक्रेटेरिएट के पीछे वाला हिस्सा है और जहाँ अभी जिला परिषद का ऑफिस बन गया है। तो धीरे धीरे करके जो है मेरे देखते देखते इन 35 सालों में यहाँ पे इतने ज़्यादा जो है, जो मैं फॉरेस्ट एरिया तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये रेवेन्यू एरिया था, लेकिन बहुत सारा रेवेन्यू एरिया जो में जो ग्रीनरी थी वो ख़त्म होती चली गई। और आज आप खुद भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सड़कें हो गई हैं, घर हो गए हैं, और इतना ट्रैफिक हो गया है जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ हुआ करती थी और बहुत कम ट्रैफिक था, पोल्यूशन नाम की किसी चीज़ से हम वाकिफ़ नहीं थे, ना हम कभी सोचते थे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम पोल्यूशन के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कहीं हमें रुकना होगा तो हम अभी भी जो है ये जो विघटन हो रहा है, जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है, जो हमारा हरित जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है, हम अभी भी इसको जो बचा हुआ है उसे तो बचा लें, यही मैं कहूँगा। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने हरियाली, आप फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं तो आपने काफ़ी विस्तार से बताया, और आपने आप जो अनुभव आपने किया है वो आज हमसे आपने शेयर की कि किस तरह से पोर्ट ब्लेयर बदल चुका है। तो लोगों में जो प्यार था, जो अपनापन था, क्या उसमें भी आपने कभी बदलाव देखा है कि पहले कैसा था और अब कैसा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले शादी ब्याह होता था तो लोग सब पूरे गांव जो है, आप शादी ब्याह की बात तो चलिए तो रिश्तेदारी वाली बात है, मैं जनरल बात बताऊं आपको कि मेरे स्कूल और कॉलेज लाइफ में एबरडीन बाज़ार में अगर कोई आदमी चला जाए और उसकी जेब में गलती से पैसे ना हो, किसी दुकानदार से कुछ सामान ले वो और फिर जेब में हाथ डाले, बोले कि अरे हम तो पैसे भूल गए, तो दुकानदार बोलता था ठीक है बाद में आके दे दीजिएगा। और इतना अच्छा एक वातावरण था लोगों के बीच, इतना मेल मिलाप था जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और वाकया बताऊं आपको कि रनिंग वगैरह जो जॉगिंग वगैरह करता था, स्पोर्ट्स में मैंने बताया था, तो रोड पे जब जॉगिंग करते थे तो अगल से बगल से कोई भी स्कूटर निकलेगा फट से रोके, बोला अरे कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं बोलता था कि भाई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आज जो है हम सड़क के किनारे खड़े हो जाते, कोई पहचानता नहीं है, इतना ज्यादा फर्क आ गया है, इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है। जी बिल्कुल। भानु जी, जिस तरह से आपने बताया कि जब हरियाली होती है आसपास तो काफी अच्छा लगता है, और आज के समय की अगर हम बात करें तो लोग पिकनिक मनाने के लिए ऐसे जंगल एरिया में जाते हैं, हरियाली देखना चाहते हैं, चिड़िया को जो चहचहाती है वो उनको वो देखना चाहते हैं, तो ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है? हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हमारी भावनाओं से, हमारी मनस्थिति से जुड़ी हुई होती है। अगर हम प्राकृतिक वातावरण में रहें, अच्छी चीज़ें देखें, खुला वातावरण देखें, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर के अंदर में जो है पॉजिटिव अच्छे हार्मोन्स जो है उनका सेक्रेशन बढ़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर उसी जगह हम कंजस्टेड जगह में रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह में रहें, शोर शराबे वाली जगह में रहें, तो हमारा मस्तिष्क डिस्टर्ब हो जाता है और उससे जो है गलत स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स बनते हैं और हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, दूसरे जो है हमारी सेहत को भी उससे नुकसान पहुँचता है। तो खुला वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, इसके अलावा अगर हम अच्छे वातावरण में रह रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ऑक्सीजन,
शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है। हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग अभी भी भाग्यशाली हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी 84% से अधिक फॉरेस्ट अभी तक हमारा बचा हुआ है, जिसके लिए वन विभाग का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सराहनीय काम किया है, साथ ही साथ यहाँ की जनता जिन्होंने सहयोग किया है। और मुझे लगता है कि देश में किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में इतना ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट का नहीं जितना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इसको बचा करके रखें। यहाँ टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है और टूरिज़्म का जो एक मेन जो रिसोर्स है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसमें फॉरेस्ट लैंड में जो है फॉरेस्ट और समुद्र में जो है कोरल ये है, और ये सब इंटरलिंक्ड है। अगर हम जो है ज़मीन पे फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बहुत सारा मट्टी जो है बहुत सारी मट्टी वो बह करके पानी में जाएगी, पानी में जाएगी तो ये कोरल्स के ऊपर में एक लेयर सी बनाएगी, कोरल्स बनने लगेंगे, तो ये जो मेन रिसोर्स है हमारा टूरिज़्म को डेवलप करने का ये ख़त्म हो जाएगा। तो अंडमान निकोबार जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र जो है यहाँ की हरियाली है और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इसको बचा करके रखें। जी जी बिल्कुल। हमारे द्वीपों की मूल प्रजातियाँ कौन सी है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो यहाँ पे अगर एनिमल्स की बात करूँ तो डुगोंग हमारा जो है वो स्टेट एनिमल है, सी काउ जिसे बोलते हैं, और ये नील आइलैंड से लेकर के हैवलॉक इस क्षेत्र में मिलता है। दूसरे बहुत सारी कोरल्स की प्रजातियाँ हैं समुद्र में, और जैविक विविधता तो जो रेटिकुलेटेड पाइथन अजगर जो है वो ग्रेट निकोबार में मिलता है। उसके बाद में एक निकोबार पिजन होता है, इतना खूबसूरत होता है वो कि जिसने देखा है वो इसकी खूबसूरती को बयान कर सकता है। फिर यहाँ पे जो है हमारे हरियल हैं, कबूतर हैं, बहुत सारे पक्षी हैं इंडेमिक जो हैं ये है। फिर पेड़ हैं, पेड़ में जैसे पडॉक है, टेरोकार्पस, डलबर जॉइडिस, ये सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप एक जनरल अगर कोई आदमी जाता है और वो देखता है तो उसे बहुत लंबे ऊंचे पेड़ जो है हल्के ग्रे कलर के दिखाई पड़ेंगे, बिल्कुल ऊपर जा कर के क्राउन उसका रहेगा और नीचे से एकदम से दूधिया सफ़ेदी लिए हुए ग्रे कलर का ये गर्जन होता है, वो दूर से ही पहचान में आता है। तो ये भी जो है यहाँ की कई स्पीसीज है इसकी। और एक सबसे ऊंची जो है कनोपी जिसे बोलते हैं उसमें होता है। फिर बादाम है, यहाँ का जो हमारा पेड़ है पेमा लेगरोस्ट्रोमिया हाइपेलुए का, ये बहुत अच्छी इमारती लकड़ी भी है और ऐसे हमारा स्टेट फ्लावर भी है इसका। तो ये अक्सर देखते हैं कि जब ये फ्लावरिंग में होता है तो हल्के वायलेट कलर के फूल इसके होते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं और इंडिजिनस भी इसमें हैं बहुत सारी, और कुछ जो है लोगों जो मेन लैंड से लाए गए हैं वो भी लगाए गए हैं। लेकिन जो नेचुरल यहाँ पे वेजिटेशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे मौका मिला है देश के अन्य हिस्सों में भी जो है वनों को देखने का, फॉरेस्ट को देखने का, यहाँ तक कि मालदीव तक में। मालदीव में जो है मैंने देखा था कि एक हेक्टेयर एरिया में वहाँ पर सिर्फ मैंग्रोव्स हैं और उसको उन्होंने नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है। हमारे यहाँ मैंग्रोव्स की 35-37 से अधिक प्रजातियाँ जो हैं पाई जाती हैं। इसके अलावा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये एक जो है शेड्यूल वन स्पीसीज है। उसके बाद में आपके वाइट बेलीड सी ईगल है, तो बहुत सारी स्पीसीज हैं यहाँ पे जो आकर्षण का केंद्र हैं और साथ ही साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना रोल अदा करती हैं। जी जी बिल्कुल। भानु जी, जिस तरह से आजकल के जो यूथ्स है आप उनको देखते हैं जी, तो किस तरह से वो मतलब थोड़ा सा ही अगर कुछ निराशा आती है उनके जीवन में तो वो गलत रास्ता में चले जाते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे बिल्कुल, समझे बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से एक विद्यार्थी के जीवन में जो शिक्षक है, हाँ, माता पिता है, उनका कितना इम्पोर्टेंस होता है? देखिए, ये दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है। पहला इंस्टीट्यूट होता है घर, जहाँ हम अपने माँ से, पिता से, अपने सगे संबंधियों से सीखते हैं शिष्टाचार, बड़ों का आदर करना, किस तरह से जो है मिल करके रहना, कैसे दूसरों का ख्याल रखना, भाई बहन हैं
तो अगर हम बड़े भाई हैं तो हमारा क्या फ़र्ज है, छोटे हैं तो हमारा क्या हक है, ये सब हम घर से सीखते हैं। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है घर, और उसके बाद इस इंस्टीट्यूट से निकल करके हम स्कूल में जाते हैं, जो जहाँ पे हमें जो है वास्तविक जीवन का जो है सामना करना पड़ता है। और टीचर्स जो हैं उनका तो मैं कहूँगा इतना बड़ा योगदान होता है किसी स्टूडेंट के लाइफ में कि जिसका कोई सानी नहीं। इसीलिए जो शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, और एक कहावत भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताओ, यानी कि ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पांव पहले छूं, तो मैं धन्यवाद देता हूं गुरु को, गुरु ने मुझे बताया कि पहले भगवान के पांव छुओ। तो गुरु जो है इतना महत्वपूर्ण होता है, और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे ऐसे ऐसे शिक्षक थे कि उनका सिर्फ एक और एक और एक मात्र उद्देश्य था कि वो किस तरह से अपने विद्यार्थियों को न केवल विषय का ज्ञान है वो दें, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाएं। मुझे याद आते हैं हमारे प्रिंसिपल नायडू सर, हमारे स्कूल लाइन के अहमद सर, मुस्तफ़ा सर अभी यहीं पे हैं और आज भी उनसे मुलाकात होती है, विश्वनाथन सर, ये लोग मतलब एक तरह से बताऊं कि ऐसे शिक्षक देखने को नहीं मिलते थे, आज तो हम देख भी नहीं पाते हैं। कोई भी विद्यार्थी हो, कितना भी कमज़ोर हो, कभी उसे जो है निरुत्साहित नहीं करते थे ये लोग, उसे हमेशा उत्साहित करते थे कि हाँ आज तुमसे नहीं होया ना, अब इसको ऐसे याद करो, इसको ऐसे याद करो। साथ ही साथ सख्त भी बहुत थे, अगर हम किसी तरह की शरारत करते थे जो हद से ज़्यादा वाली बात होती थी तो हमारी जो है बेंतों से धुनाई भी होती थी स्कूल में। और उस वक्त का माहौल ऐसा था कि हम डरते थे कि स्कूल में तो जो हो गया हमें पनिशमेंट मिला मिला, बेंच पे खड़े हो गए या दो चार बेंत खा लिए कोई बात नहीं। हम डरते थे कि घर पे ना बताएं, क्योंकि उस वक्त का माहौल ऐसा था कि अगर शिक्षक ने घर पे बता दिया तो हमें घर पे भी जो है डांट खानी पड़ती है, घर पे भी प्रताड़ना मिलती थी। आज जो है थोड़ा सा अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, माहौल ऐसा हो गया कि शिक्षक जो है कड़े शब्दों में बच्चों से बात भी नहीं कर सकते, डांट भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य इसकी जो सख्ती है ये भी ज़रूरत है, इसकी भी ज़रूरत होती है डिसिप्लिन अनुशासन लाने के लिए। जी जी, जैसा आपने बता दिया बहुत ही विस्तार से कि हमारे जीवन में एक अच्छे शिक्षक और माता पिता का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर सच्चे दोस्त की बात करें तो उनका कितना महत्व रोल होता है हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दोस्त जो होते हैं ये तो मित्रता जो होती है ना, ये स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में जो होती है ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि उस वक्त हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, जो हमारे मित्र बनते हैं वो हमको पूरी तरह से अपनाते हैं, हम जिनको अपना मित्र बनाते हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं उनके अच्छाई और बुराई के साथ हम अपनाते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब एक बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो फिर ये हर मित्र ये सुनिश्चित करता है कि उसके दोस्त का किसी तरह से नुकसान ना हो, वो लाइफ में जीवन में आगे बढ़े, प्रगति करे। मेरे जो मित्र हैं आज भी जो है, जो हम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जिस स्टेटस में थे, जिस स्टेज पे थे, वो बॉन्ड आज भी उसी तरह से बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे शॉम्पेन पहले होटल हुआ करता था और आजकल सेंटिनल होटल, और इसके मालिक हैं सरदार देवेंद्र पाल सिंह जी, ये हमारे साथ स्कूल के सहपाठी रहे हैं, आज भी हमारे बीच वही बॉन्डिंग है और सुख दुख में हम हमेशा में एक दूसरे के साथ में रहते हैं। अशोक जी थे, ये हमारे मित्र हैं, अशोक श्रीवास्तव ऑल इंडिया रेडियो के थे, ये थे डॉक्टर रंजन चंद्रा है, वो रेडियोलॉजिस्ट है। तो आज भी जब मिस्टर राम प्रसाद हैं यहाँ पे जो रह के गए थे चीफ एडिटर गवर्नमेंट प्रेस में, मिस्टर पोद्दार हैं, तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि सभी अलग अलग चले गए, कोई कलकत्ता चला गया है, कोई जो है जयपुर चला गया है, लेकिन फ़ोन पे बात होती रहती है। लेकिन सालों साल बाद अगर हम कभी मिलते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम कभी एक दूसरे से अलग हुए। साथ ही साथ एक दूसरे के परिवार का, एक दूसरे के बच्चों का, एक दूसरे का हम हमेशा ख्याल रखते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है सोशलाइजिंग जिंदगी में, मित्र होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ एकाकी जीवन अगर आदमी अपने में ही सिमट करके रह जाए और अपनी खुशी और अपना दुख
ये शेयर ना करे तो फिर बहुत सारी समस्याएं जो हैं हो जाती हैं। तो मित्र जो है ये जीवन की एक अनमोल पूंजी होते हैं और ऐसी धरोहर होती है जिसे हमेशा हमें संजो करके रखना होता है और ये हमारे हर आड़े गाढ़े वक्त में काम आती है। जी जी बिल्कुल जी। अब हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जी हाँ, मेरे पिताजी यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले चीफ आर ऑफिसर थे और माताजी हमारी जो है हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी, होममेकर थी। मेरा एक भाई है और दो बहनें हैं। भाई इस वक्त स्विट्जरलैंड में है और उसने वहाँ की नागरिकता ले ली है। एक बहन हमारी जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है और दूसरी बहन जो है उसने इंजीनियरिंग करने के बाद में अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू की और वो गोवा में रह रही हैं। मेरी श्रीमती जी जो हैं, मेरी अर्धांगिनी, वो आजमगढ़ यूपी से हैं और जब हम वो यहाँ पे आई थी तो 1975 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको भी लोगों ने कहा, ये जो एजुकेशन डायरेक्टर उस वक्त हुआ करते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, बीएन सिंह सर और बहुत सारे लोग मेरे जान पहचान के थे, पिताजी के जान पहचान के थे, तो बोलते थे कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आप हिंदी टीचर बन जाइए। तो श्रीमती जी ने कहा कि नहीं भाई, मुझे नौकरी नहीं करनी है, बहुत जब हमारी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं तो हमारे हस्बैंड जितना कमाएंगे उससे मेरा काम चल जाएगा। और मेरी तीन बेटियाँ हैं और मैं समझता हूँ कि इन बेटियों को बनाने में मुझसे बहुत ज़्यादा अधिक योगदान जो है मेरी धर्मपत्नी का है, उनकी माँ का है। दो बेटियाँ हमारी डॉक्टर हैं और एक बेटी जो है इंजीनियर है। एक डॉक्टर बेटी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है और इंजीनियर है वो भी यूएसए में है। और बीच वाली बेटी जो थी डॉक्टर प्रियंका, जो आपके कार्यक्रम में भी आती रहती है, वो यहाँ पे थी, वो भी फिलाडेल्फिया में यूएसए में थी और उसने डिसाइड किया, उसको अंडमान बहुत पसंद था तो उसने डिसाइड किया कि हमको जो है अंडमान आना है, तो हमारे साथ रही यहाँ पे 3 साल और इसके बाद में अब जो है उसको मेनलैंड चली गई हैं, एम्स में उनको असिस्टेंट प्रोफेसर का मिल गया है तो चली गई हैं। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है और ये जो कुछ भी अचीवमेंट यहाँ पे हुआ है, चाहे मेरी सिस्टर्स का, चाहे मेरे ब्रदर्स का या मेरे बच्चों का, हमारी स्कूलिंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हुई है। जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, वो यहीं से है और ये इन द्वीपों का बहुत बड़ा योगदान हमारे लाइफ में है। अगर हम मेनलैंड में होते तो शायद हमारे बच्चों को मेडिकल की सीट नहीं मिल पाती, इंजीनियरिंग की सीट नहीं मिल पाती। जी, सेवानिवृत्ति के बाद खुद को व्यस्त रखने के लिए आप क्या करते हैं? मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। सिर्फ ये हुआ कि भाई वो डिपार्टमेंट का जो एक एटमॉस्फियर था वो मेरे साथ नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, सुपीरियर्स नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही की वैसी है। मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ, सोशल वर्क्स में जो है रहता हूँ, एक चेतना संस्था है हमारी, मैं उसका महासचिव भी हूँ, साथ ही साथ मैं स्कूलों में एनवायरनमेंट के बारे में प्रोग्राम देता रहता हूँ, जितना जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, कभी ओजोन लेयर पे, कभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे, कभी ग्रीनरी के इम्पोर्टेंस पे, कभी बच्चों के कैरियर प्रोग्रेशन के लिए, तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम मैं करता रहता हूँ। इसके अलावा मैं भोजपुरी समाज से भी जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आज भी हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग सर्विस में हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे स्टाफ हों, एग्जीक्यूटिव स्टाफ हों, या मेरे कलीग्स असिस्टेंट कंजर्वेटर, अगर कोई समस्या होती है या कोई पेचीदा प्रश्न उनके सामने आता है तो मुझसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं कि यादव साहब बताइए इसमें क्या करना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो और इसके अलावा मैं फिजिकल फिटनेस पे तो अपना बराबर ध्यान रखता हूँ, वॉकिंग है, थोड़ा बहुत योगा है। आज भी आप अपने आप को फिट रखते हैं? फिट और मुझे महसूस ही नहीं होता है कि मैं जो है खाली बैठा हूँ या मेरे पास कोई काम नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो आपने काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की है। ऐसा कोई सपना जो आपने, आपका जो है पूरा नहीं हुआ है या फिर आप करना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, सपना तो हर व्यक्ति देखता है और देखना चाहिए भी। मेरा सपना है कि हमारा देश भारत विश्व में सबसे ऊंचे स्थान पर रहे, न केवल आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, न केवल सामरिक व्यवस्था को लेकर के, बल्कि एक आम इंसान, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा व्यक्ति
क्या होता है, इसकी शिक्षा जो है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी, हमारे सिद्धांत जो है जी, वो हमें सिखाते हैं कि हमें देना सीखना चाहिए, देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, संचय करने की और लेने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा सपना है कि हमारा देश इतना ईमानदार देश बने कि लोग जो है विश्व में पहले, आज कुछ देशों की ईमानदारी की बात होती है तो ये होता है कि इंग्लैंड है, नॉर्वे है, इस तरह के देश हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ छूट जाती है तो किसी को मिलती है तो लेकर के वहाँ पे पुलिस स्टेशन में या कहीं पे लेकर जमा करा देता है और उसके बाद में वो व्यक्ति अगर उसको ढूंढता है तो मिल जाता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसा बने कि अगर यहाँ भूल चूक से किसी का कुछ गुम हो जाए, चोरी चकारी और ये चीज़ें जो हैं हमारे देश से, हमारे द्वीपों से बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। ड्रग्स जो है ये पूरी जनरेशन को ख़राब कर रही है, ये बंद होनी चाहिए। हमें कितना पैसा चाहिए, सब कुछ करते हैं पैसे के लिए, तो अपराध होते हैं पैसे के लिए, तो जितना मिलता है उसमें संतोष करके हम एक अच्छा नागरिक बने, ना केवल भारत का बल्कि मेरी जो सोच है ये है कि हम विश्व के अच्छे नागरिक बने जिससे हमें जो भी हम काम करते हैं सुकून मिले। सुकून जी जी बिल्कुल। भानु जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको कभी लगा ही नहीं कि आप खाली बैठे हुए हैं, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर होने के बाद उनको लगता है कि अब बस जीवन का जो यात्रा है वो खत्म हो चुका है, यहीं तक था हमारा ये सफ़र, तो वो काफ़ी मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, घर पे ऐसा लगता है कि हम बोर होते हैं, बैठे रहते हैं ऐसी, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब शब्द जब हम लोग सब थे सर्विस में तो हम लोगों ने तो कभी सुना ही नहीं, आजकल सुन रहे हैं जी, तो ऐसी कोई चीज़ मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए जो हमें प्रभावित कर सके, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है, यही सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सकता है, ये सोचने के ऊपर बात है। मेरी उम्र के लोग जो अगर उनको लगता है काकीपन, तो उन्हें दो चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। नंबर एक कि उन्होंने जिस विभाग में भी काम किया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, बहुत ज़्यादा अनुभव उनके पास है, तो उस अनुभव को जो है वो शेयर करें दूसरे लोगों से, खास करके यंग जनरेशन से, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। अगर कहीं उन्होंने गलत किया है जिसका उन्होंने बुरा परिणाम भुगतना पड़ा, तो वो भी बताएं कि भाई इस स्टेज पे मैंने ये गलती की थी तो मेरा ये हुआ, और इसको मैंने सुधारा तो मेरा ये हुआ। दूसरे, हर व्यक्ति का जो है कुछ ना कुछ लोगों से जुड़ाव अवश्य है, जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल के मित्र, कॉलेज के मित्र हैं, उनसे संबंध बनाए रखें, उनसे जो है अगर दूरी बन गई है, एक मौन बीच में जो है गैप आ गया है, उस गैप को फिलअप करें जी, तो हाँ, और मिलजुल करके और खुश रहना जो है, अपने आप में, अपने आप के साथ प्यार करना चाहिए, हाँ, अपने आप के साथ में रहना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। मैं क्या हूँ और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बस तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, बिल्कुल जीवन का सफर बहुत अच्छा कटेगा। यस, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ, और जब आप मुस्कुराते हैं, खास करके अगर आप कभी आईने को देख करके मुस्कुराए, डिप्रेशन की बात आपने कही ना, तो आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए, आईना जो है वो जब आप मुस्कुराएंगे उसके सामने, तो फेस को देख करके तो आपके दिमाग में आ गया, हाँ भाई ये तो बहुत खुश आदमी है, तो आपका डिप्रेशन ऐसे ही खत्म हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो भानु जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और अपने जीवन से जुड़ी जो अनुभव है, उपलब्धियां आपने जो हासिल की उसके बारे में हमसे बातचीत की, इसके लिए हम हमारे पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।